हेलो दोस्तों, हम बाज़ार के घी में हम देसी फ्लेवर ढूंढते हैं, बट वो हमें मिल नहीं पाता जो हमारी दादी माँ बनाया करती थी। तो इस घी को हम आज घर पे बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाएगा बिना किसी मशीन के सहायता के, बिना किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के। हम इसे घर पे कैसे निकालते हैं, बहुत ईजीली। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये क्रीम निकाल लिया है। 15 टू 20 डेज़ का ये क्रीम है, दूध के ऊपर जो क्रीम होता है डेली यूज़ करने वाला दूध। इसे मैंने रेफ्रिजरेट किया था, डीप फ्रीजर में ना रखें इस क्रीम को। इसे एक चम्मच दही डाल करके रेफ्रिजरेट करें ओनली 15 टू 20 डेज़ के लिए। इस क्रीम को हम एक पॉट पे निकाल लेंगे और इस वुडन लैडर की सहायता से हम अच्छी तरीके से इसे लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है तो इसे हम अपने हाथों की सहायता से स्मूथ कर लेते हैं इस तरीके से तोड़ते हुए। उसके बाद हम इस लैडर की सहायता से इसे कंटिन्यूसली इस तरीके से मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा लूज़ रहेगा, ये देखिए हल्का हल्का लूज है, और जैसे जैसे ये बटर बनने के प्रोसेस में जाएगा तो ये देखिए ये अभी लूज़ है। तो इसका सेकेंड स्टेज आएगा जब आप इसे चलाते रहेंगे, 5 मिनट के अंदर ही ये इस तरीके से टाइट हो जाएगा। तो ये इसका सेकेंड स्टेज है। इसे फिर से हम उसी तरीके से बस मिलाते रहेंगे और ये थोड़ी देर के बाद दानेदार दिखने लगेगा। तो ये देखिए हमने इसे कंटिन्यूसली चलाते रहा है, बस 10 मिनट में ये बटर निकल कर तैयार हो जाएगा क्रीम से। इससे थोड़ा थोड़ा देखिए जो इसमें थोड़ा सा मिल्क होगा वो निकलने लगेगा बाहर, और बहुत फिर से ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसे चलाना बहुत ही ईजी होगा। तो ये दानेदार दिखने लगा है, इसका मतलब है ये मक्खन निकल चुका है। ये देखिए थोड़ा सा और हम इसे चला लेते हैं। मक्खन को चेक करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब मक्खन दानेदार इस तरीके से निकल जाए क्रीम से, तो हम थोड़ा सा उसका पोर्शन लेकर, देखिए थोड़ा थोड़ा मिल्क दिख रहा है और मक्खन अलग दानेदार दिख रहा है, तो कोल्ड वाटर लेंगे, फ्रीज का वाटर। इसे हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर के चेक कर लेते हैं कि हमारा मक्खन निकल चुका है कि नहीं। तो सारा बटर इस तरीके से वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा और सेपरेट हो जाएगा। उसमें जो एक्स्ट्रा मिल्क होगा वो वाटर में ही रह जाएगा और मक्खन निकल कर बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा चेक करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही पानी इसमें मिक्स कर देंगे तो वो गलत प्रोसेस हो जाता है। तो अब ये हमारा मक्खन निकल कर तैयार हो गया है। इसमें हम ये ठंडा पानी यूज़ करेंगे। ये मैंने 1/2 लीटर के करीब, जितना आपका क्रीम हो, मक्खन हो, उस हिसाब से उसमें वाटर ऐड कर लें जिससे सारा बटर उसके ऊपर फ्लोट करने लगे। तो मैंने इसमें 1/2 लीटर के करीब ठंडा पानी यूज़ किया है। सारा बटर फ्लोट करने लगा है तो मैंने हाथों की सहायता से इस तरीके से बॉल बनाते हुए ऊपर जो मक्खन तैर रहे हैं सारा पानी निचोड़ लिया है और इसे मैं निकाल लेती हूँ। इस बटर को अगर आप पानी से वॉश करेंगे, वाटर से वॉश करेंगे, तो ये और भी अच्छा बनेगा। इस तरीके से देखिए मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है निचोड़ निचोड़ कर। बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है। हम इसे जितना डिफ़िकल्ट समझते हैं ये एक्चुअली उतना है नहीं। किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, बस हम इसे लैडर, वुडन लैडर के अलावा नॉर्मल चम्मच से भी अगर इसे हम चलाएंगे बड़े चम्मच से तो भी ये आराम से निकल जाएगा। इनफैक्ट हम अपने हाथों की सहायता से भी इसे निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस से अपने हाथों से इसे फेंटें तो भी मक्खन निकल कर बाहर आ जाएगा। इस तरीके से देखिए हमने इतने सारे मक्खन वाइट बटर निकाल लिए हैं, सारे बटर हमारे निकल चुके हैं बहुत ईजीली। और उस बचे हुए दूध को आप लस्सी की तरह यूज कर सकते हैं। तो अब हम इस वाइट बटर से कैसे घी निकालते हैं उसे देख लेते हैं। तो एक कढ़ाई हमने गर्म कर लिया है, उस कढ़ाई में इस हम वाइट बटर को डाल देंगे। इस वाइट बटर को अगर आप घी नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इसे एज इट इज़ भी यूज कर सकते हैं। केक बनाने में भी आप इसे आराम से यूज कीजिए। बाहर के मक्खन की तुलना में इससे बने केक ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जब मैं केक की रेसिपी शेयर करूँगी तब मैं दिखाऊँगी कि मैं इस बटर को उसमें कैसे यूज करती हूँ। और इस बटर को आप पराठे के साथ भी ले सकते हैं। तो ये देखिए फुल फ्लेम पे मैंने इस बटर को कढ़ाई में
पिघला लिया है। ये जैसे जैसे पिघलते जाएगा इससे घी सेपरेट होते जाएगा। स्टार्टिंग में ये इस तरीके से दिख रहा है। हमें इसे चलाते रहना है बीच बीच में ताकि ये नीचे तली पे चिपके ना। नीचे अगर हम चिपकने के लिए छोड़ देंगे तो हमें बर्तन धोने में बहुत कठिनाई होगी। जब ये फ्लेम हम यहाँ पे धीरे कर लेते हैं थोड़ा सा मीडियम पे, ये हमारा नीचे चिपकने लगा था, इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। ये देखिए अब ये थोड़ा सा और भी अलग हो गया है घी, इससे इसका जो रेसिड्यू है वो नीचे तली पर बैठ जाएगा। तो ये देखिए कितना येलो येलो हमारा देसी घी, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि उसका कोई कंपेयर ही नहीं है बाज़ार के घी से। अगर इस घी को आप किसी भी चीज़ में एक चम्मच यूज करके देखिए और बाज़ार के घी को देखिए, आपको टेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। ये देखिए अब हमारा घी बनने लगा है। इस तरीके से जब झाग निकलने लगे, हम थोड़ा सा फ्लेम लो कर लेते हैं क्योंकि झाग निकल कर बाहर भी आ सकता है। देखिए इस तरीके से जब झाग निकलने लगे घी से, इसका मतलब है हमारा घी लगभग हो चुका है। तली पर जो रेसिड्यू बैठेगा वो हमारा थोड़ा सा रेड दिखने लगे। बहुत ज़्यादा उसे नहीं जलाएं और कम भी ना जलाएं। कम जलाने से वो घी ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। ये हल्का हल्का जब रेड हो जाए तो इसका मतलब हमारा घी बन चुका है। तो हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और बड़ा बर्तन में घी निकालें, क्योंकि अगर छोटा रहेगा तो इस तरीके से बाद में झाग निकलता है तो वो आपकी घी बाहर गिर भी सकती है। इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये देखिए घी गर्म था इस वजह से और ये रेसिड्यू रेड हो गया है। तो हमने इसे कॉटन क्लॉथ की हेल्प से इस तरीके से छान लिया है। इसे हम ग्लास में स्टोर करें, कांच के बर्तन में, नहीं तो स्टेनलेस स्टील में, प्लास्टिक कंटेनर यूज़ ना करें। तो ये हमारी देसी घी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।